CUET स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। पहला प्रश्न है, दिल्ली में लाल किला का निर्माण किसने करवाया था? ए अकबर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी जहांगीर। इसका सही जवाब है बी शाहजहां। दिल्ली में लाल किले का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने वर्ष 1648 में करवाया था। यह लगभग 200 वर्षों तक मुगल सम्राटों के मुख्य निवास के रूप में कार्य करता रहा। अगला सवाल है, क्षोभ मंडल की विशेषता क्या है? ए वायुमंडल की सबसे गर्म परत, बी ओजोन परत की उपस्थिति, सी मौसम संबंधी घटनाएं, डी वायुमंडल की सबसे बाहरी परत। सही जवाब है सी मौसम संबंधी घटनाएं। क्षोभमंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है जो समुद्र तल से लगभग 8 से 15 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। यह बादलों, बारिश और तूफान जैसी मौसमी घटनाओं की उपस्थिति से पहचाना जाता है। तीसरा सवाल है, मेंढकों में निषेचन होता है? ए आंतरिक, बी बाहरी, सी आंतरिक और बाह्य दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है बी बाहरी। मेंढकों में निषेचन बाहरी होता है। बता दें कि यौन क्रिया के दौरान मादा अपने अंडे पानी में छोड़ देती है और नर अंडे को निषेचित करने के लिए उसी समय उन पर शुक्राणु छोड़ता है, जिसे बाहरी निषेचन कहा जाता है। अगला सवाल है, मैक्सवेल के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग किस दिशा को निर्धारित करने के लिए किया जाता है? ए चुंबकीय क्षेत्र, बी विद्युत धारा, सी आवेशित कण पर बल और डी विद्युत क्षेत्र। सही जवाब है ए चुंबकीय क्षेत्र। मैक्सवेल के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल है, बुझा हुआ चूना रासायनिक रूप से किस रूप में जाना जाता है? ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम ऑक्साइड, सी कैल्शियम क्लोराइड, डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उत्तर है डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझा हुआ चूना, जिसे हाइड्रेटेड चूना भी कहा जाता है, रासायनिक रूप से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल है, विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित हैं? ए बैडमिंटन, बी मुक्केबाजी, सी कुश्ती, डी तीरंदाजी। सही जवाब है सी कुश्ती। विनेश फोगाट एक भारतीय पहलवान है जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। अगला सवाल है, भारत के संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार शामिल है? ए राजनीति के निदेशक सिद्धांत, बी मौलिक कर्तव्य, सी मौलिक अधिकार, डी प्रस्तावना। सही जवाब है ए राजनीति के निदेशक सिद्धांत। भारतीय संविधान के भाग 4 में निहित राजनीति के निदेशक सिद्धांत स्पष्ट रूप से उन सिद्धांतों को रेखांकित करते हैं जिन पर भारतीय राज्य का निर्माण होना चाहिए। अगला सवाल है, पुरापाषाण काल का प्रसिद्ध स्थल भीमबेटका भारत के किस राज्य में स्थित है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। सही जवाब है डी मध्य प्रदेश। भीमबेटका भारत के मध्य प्रदेश में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। बता दें कि यह अपने शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, किस देश को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? ए जापान, बी चीन, सी थाईलैंड, डी दक्षिण कोरिया। सही जवाब है ए जापान। जापान को अक्सर उगते सूरज की भूमि के रूप में संदर्भित किया जाता है क्योंकि जापानी भाषा में इसका नाम निहोम या निप्पॉन है, जिसका अर्थ है सूर्य की उत्पत्ति। यह एशियाई महाद्वीप के पूर्व में जापान के स्थान को संदर्भित करता है जहां सूर्योदय होता है। अगला सवाल है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, मीरा कुमार। सही जवाब है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। आज का अभ्यास प्रश्न चलिए देख लेते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसने लिखी है? ए चार्ल्स डार्विन, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी आइजैक न्यूटन, डी स्टीफन हॉकिंग। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में।